Hey guys, आज मैं लेकर आया हूँ Mi Airtel के कुछ लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। गाइस, Redmi K20, K20 Pro, Note 8 Pro, Note 7 Pro के लिए इंडिया स्टेबल Mi Airtel अपडेट अवेलेबल है। एंड गाइस, आज मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ क्विक अपडेट इन चारों स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं Note 7 Pro और Note 8 Pro। दोनों स्मार्टफोन के लिए इंडिया स्टेबल रोम अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ बीटा टेस्टर के लिए है। तो अगर आपका बूट लोडर अनलॉक्ड है, कस्टम रिकवरी आपने इंस्टॉल कर रखा है, यानी TWRP रिकवरी आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो दोनों स्मार्टफोन में आप Mi Airtel इंडिया स्टेबल रोम ट्राई कर सकते हो। Note 8 Pro के लिए 12.0.0.3 और Note 7 Pro के लिए 12.0.0.2, दोनों रोम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Note 8 Pro का बूट लोडर मेरा अनलॉक्ड नहीं है, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर मेरा बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा, फिर मैं ये रोम ट्राई करके आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और नोट 7 प्रो की बात करूं तो मेरे पास अभी ये डिवाइस नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं ये डिवाइस अरेंज कर लूंगा और फ्यूचर में आपको नोट 7 प्रो और नोट 8 प्रो के वीडियोस देखते रहने को मिलता रहेगा। अब बात करते हैं Redmi K20 के बारे में। गाइस, सुबह मुझे एक अपडेट दिखा 275 MB का। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी फिलहाल जो मेरा MIUI वर्जन है वो है 12.0.2.0 इंडिया स्टेबल, और जो अपडेट आया है ये है 275 MB का 12.0.3.0। ओके, एंड व्हाट्स न्यू में आपको सिर्फ सिक्योरिटी पैच जो है वो जुलाई का दिख रहा है और कुछ भी नहीं है। तो गाइस, मैं डाउनलोड करके फटाफट अपडेट करता हूँ, फिर मैं आपको एक क्विक अपना इंप्रेशन शेयर करूँगा, यानी कुछ अगर मुझे इनिशियली चेंज दिखा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी 2-3 दिनों के बाद इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट दिखता है तो मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूँगा। तो चलिए अपडेट करते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूँ, मैं एक नए ऑफिस में शिफ्ट कर चुका हूँ। छोटा सा है, जो मेरा पुराना ऑफिस था उसमें काफ़ी नॉइज़ था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने अभी अपडेट कर लिया। अपडेट मतलब शिफ्ट कर लिया है नई जगह पे, एक नया घर लिया है मैंने और घर के अंदर ही एक छोटा सा ऑफिस बनाया है। तो अभी मेरे पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ जो देना चाह रहा हूँ वो नहीं दे पा रहा हूँ। फाइनली डिवाइस अपडेट हो चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लेटेस्ट Xiaomi E ROM या फिर चाइना बेटा ROM में देखने को मिला, वो सारी चीज़ें मुझे अभी भी यहाँ पे मिसिंग देखने को मिल रही, यानी वो चीज़ें अभी भी ऐड नहीं की गई। हो सकता है 2-3 और अपडेट लगे वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने में इंडिया स्टेबल ROM में। गाइज, चाइना बेटा ROM में अगर आप राइट साइड से स्वाइप करते हैं ना होम स्क्रीन पे, तो कंट्रोल सेंटर जो है वो ओपन हो जाता है, और लेफ्ट साइड से स्वाइप करते हैं तो नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी साइड से स्वाइप कर रहे हैं, नोटिफिकेशन पैनल ही ओपन हो रहा है। आपको कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए स्टेटस बार से स्वाइप डाउन करना पड़ता है। एंड गाइस, फुल स्क्रीन डिस्प्ले की बात करें तो नीचे आपको एक बार देखने को मिलता है चाइना बेटा ROM में या फिर Xiaomi E ROM लेटेस्ट में, लेकिन वो बार जो है यहाँ पे नेविगेशन बार यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। वो बार एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल है, एक ऐप से दूसरे ऐप के बीच में आप बहुत आसानी से स्वाइप कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग में वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, लेकिन वो बार अभी भी इंडिया स्टेबल में देखने को नहीं मिल रहा है। बात करूँ फ्लोटिंग विंडोज़ की, तो फ्लोटिंग विंडोज़ पहले भी लास्ट अपडेट के बाद भी हमें देखने को मिला था, लेकिन फुल्ली फंक्शनल फ्लोटिंग विंडोज़ देखने को नहीं मिला था, जो हमें चाइना बेटा ROM में या फिर Xiaomi E ROM में देखने को मिला। गाइज, जो भी सपोर्टेड ऐप है ना, अगर आप उसे स्वाइप करते हो ना, तो स्वाइप करने के बाद राइट साइड पर आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा, आप उस पर प्लेस करने पर फ्लोटिंग विंडोज़ इनेबल कर सकते थे, जो कि आपको अभी देखने को नहीं मिल रहा है। एंड टॉप में अभी भी आपको स्प्लिट स्क्रीन का बटन ही देखने को मिल रहा है, फ्लोटिंग विंडोज़ का बटन देखने को नहीं मिल रहा है इस अपडेट के बाद भी। बाकी गाइज, आप लॉन्ग प्रेस करके फ्लोटिंग विंडोज़ इनेबल कर सकते हो। एंड गाइज, कैमरा की बात करें तो कैमरा में क्लोन फीचर देखने को नहीं मिला, जो मुझे Xiaomi E ROM में देखने को मिला था। बाकी सारी चीज़ें सेम है जो हमें लास्ट देखने को मिला था, यानी कैमरा में कुछ भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा इस अपडेट के बाद भी। वॉलपेपर का जो सेक्शन था ना पहले, वो मिसिंग था। जब भी मैं वॉलपेपर ओपन करता था तो डायरेक्टली थीम में चला जाता था, तो अभी भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको सेटिंग्स में लेकर चलता हूँ। सेटिंग्स में वॉलपेपर का सेक्शन ये रहा, तो जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ डायरेक्टली आप थीम में चले जाते हो, यानी वॉलपेपर का सेक्शन मिसिंग है, जिसमें आपको सुपर वॉलपेपर्स एंड दूसरे वॉलपेपर्स देखने को मिलते थे, वो वॉलपेपर अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस अपडेट के साथ आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा जुलाई का, एंड MIUI वर्जन हो जाएगा 12.0.3.0। कुछ और इंटरेस्टिंग दिखा तो मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।